कनाडा के संबंध बेहद खराब दौर में आ चुके हैं। इसके पीछे वजह है जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम, जो उनकी मजबूरी भी है। भारत ने कनाडा उच्चायोग के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। दरअसल कनाडा ने भी ऐसी ही कार्रवाई की। इस बीच भारत सरकार की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीते साल जून में कनेडियाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ओर उंगली उठाई थी। भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए तक कह दिया था। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कनाडा ने भारत सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। कनाडा का आरोप है कि लॉरेंस गैंग उसके यहाँ कई हत्याएं करा चुका है और उसका साथ भारतीय एजेंट्स भी दे रहे हैं। जबकि इसी कनाडा ने बम्बिहा गैंग पर कुछ नहीं कहा, जो लॉरेंस गैंग का दुश्मन माना जाता है और कनाडा से ही ऑपरेट भी करता है। कनाडा ने आरोप लगाया कि उसकी धरती पर मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संयोग से ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए चर्चा में आ चुका है, क्योंकि उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। दिलचस्प बात यह है कि जून 2022 में भारतीय उच्चायोग ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में हिंसक अपराधों के लिए कनाडा को सचेत किया था कि उसकी धरती से संचालित गैंगस्टर भारत में वारदात कर रहे हैं। बिश्नोई गिरोह उत्तर भारत के साथ अपने सहयोगियों के माध्यम से कनाडा में भी मौजूद है। कनाडा ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल ऑपरेशनों के लिए करा रही है। उसने इसके लिए भारतीय खुफिया विंग रॉ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 60-गांठ तक का आरोप लगाया है, लेकिन वो किसी भी चीज के पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। ना ही उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वही भारत का कहना है कि दरअसल ये कनाडा की धरती है जहां से पंजाब में तमाम आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। नई दिल्ली लंबे समय से खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में पनाह देने के आरोप भी लगाती रही है। कनाडा में ही एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट की साजिश रची गई, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह कथित तौर पर कनाडा में सक्रिय है। हाल ही की घटनाक्रमों ने संगठित अपराध से इसके संबंधों की ओर इशारा भी किया है। कहा जाता है कि ये गैंग वहां हत्या और जबरन वसूली में शामिल रहता है। माना जाता है कि बिश्नोई गैंग का सेकंड मेन लीडर सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार खुद सिख है और कनाडा में ही रहता है। यही इस गैंग के बहुत से सदस्य इस समय कनाडा में हैं, जो वहां वारदातों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने के कारण इस गिरोह के ऑपरेशन गोल्डी बरार देखता है। पिछले कुछ सालों में इस गैंग ने कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक अपना असर बढ़ा लिया है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। दविंदर बम्बिहा गिरोह मुख्य तौर पर कनाडा सिखों का आपराधिक गैंग है। ये वहां कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। ये गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को अपना दुश्मन मानता है। इन दोनों के बीच हिंसक टकराव भी हो चुके हैं, हत्याएं भी हो चुकी हैं। बम्बिहा गिरोह के सदस्य सुखदूल सिंह की बिनीपेड में हत्या कर दी गई थी, जिसे इस चलते गिरोह का ही संघर्ष बताया गया था। बम्बिहा गिरोह के सदस्य जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और हिंसक अपराधों में एक्टिव रहते हैं। इस गिरोह का सरगना फिलहाल गौरव पटियाल उर्फ लक्की बताया जाता है, जो नंबर 2 पोजीशन पर सिख हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा है। ये गिरोह कनाडा में पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन उसके क्रिमिनल तार भारत से भी जुड़े हुए हैं। ये हाई प्रोफाइल घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रतिद्वंदी गिरोहों से जुड़े व्यक्तियों की हत्या भी शामिल है। सुखदूल सिंह की हत्या को बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की पिछली हत्याओं के प्रतिशोध के रूप में ही देखा गया है। 9 सितंबर 2016 को भटिंडा के रामपुरा के पास गिलकला में हुई पुलिस मुठभेड़ में दविंदर बम्बिहा मारा गया था। दविंदर के एनकाउंटर के बाद बम्बिहा गैंग की कमान गौरव उर्फ लकी पटियाल ने संभाल ली। लकी पटियाल धनास चंडीगढ़ का रहने वाला है। पंजाब का वो बड़ा गैंगस्टर है जो हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद है। वो आर्मेनिया भाग गया, वहां से कनाडा चला गया। अब वो कनाडा में ही अपना पूरा गैंग चला रहा है।
ऐसे में कनाडा एक तरफ जो अपनी जमीन पर खालिस्तानी आतंकियों को ना सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि उन्हें खुद पानी भी मुहैया करा रहा है, लेकिन जब उस गैंग के लोगों को कोई ठोक रहा है, कोई उसे मार रहा है, तो कनाडा को अचानक अहिंसा याद आ जाती है। उसे आतंकी और कट्टरता दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार के खालिस्तान प्रेम का जवाब भारत सख्ती से देगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।